वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि CBSE में क्लास 10 में हमने बेसिक मैथमेटिक्स लिया था, उसके बाद क्या गुजरात बोर्ड के अंदर साइंस के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे उसका एक प्रूफ है कि यहाँ के लोकल न्यूज़ मीडिया में इसका आंसर दिया हुआ है, जिसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर अपने CBSE क्लास 10 में अपने बेसिक मैथमेटिक्स किया हुआ है और आपको 11th साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुजरात बोर्ड ने उसको मना किया हुआ है और ये जो है यहाँ पे गुजरात बोर्ड के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है। तो आपको ये डिसीज़न को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था CBSE में तो ही आप 11th साइंस गुजरात बोर्ड में एडमिशन ले सकते हो और अपना बोर्ड को चेंज कर सकते हो। वैसे भी आपने अगर बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ है तो आपको कॉमर्स या तो आर्ट्स या तो दूसरी कोई ब्रांच आपको चूज़ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे साइंस के अंदर एडमिशन लेने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होती नहीं है, इसलिए गुजरात बोर्ड ने यहाँ पे इसको मना किया हुआ है। मतलब कि आपका एडमिशन जो है, अगर आपका क्लास 10 CBSE में बेसिक मैथमेटिक्स होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, तो इनको आपका जो जवाब आपको मेरे चैनल पर मिल सकता है। और भी आपके दिमाग में ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मैं आपका उनका जो जवाब है वो वीडियो में अगर बना कर दे सकूँ तो वीडियो में ही बना कर दूंगा। ओके, तो बस सब्सक्राइब करना, लाइक करना अगर अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक यू ऑल।